हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। और हो चुकी है सुबह, बज रहा है सुबह का 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। चाय वगैरह बना ली है मैंने, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अब रोटी वगैरह बनाऊँगी, पराठा आलू की सब्ज़ी नाश्ते में। जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, गाजी का होमवर्क भी कराना है, उसका स्कूल छोड़ना है, फिर टिफ़िन बनाना है, दोनों का नाश्ता बनाना है, हस्बैंड का, बच्चे का, और उसके बाद में फिर मजलिस वगैरह स्टार्ट होगी। तो कुछ सुबह में हो जाती है बिल्डिंग में, फिर उसके बाद में नमाज़ वगैरह के बाद फिर दूसरे एरिया में जाते हैं, वहाँ पर होती है, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर मेरे घर में और एक घर और है उसके घर में, हम दो तीन घर में शाम में होती है। ऐसे डिवाइड करके पूरा दिन एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग मजलिसों का। और बस जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और बस चलिए चलते हैं हमारे डेली रूटीन की तरफ में, और मैं आप लोगों को बताती हूँ फिर। और यहाँ मैंने चाय बना ली थी और यहाँ आटा गूंथ के मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को सुबह नाश्ता मतलब करके आते, टिफ़िन नहीं ले जाते, नाश्ता सब्ज़ी रोटी या रात का कुछ सालन वगैरह है तो वो खा लेते हैं पराठे के साथ में। चाय वगैरह अंडा बॉईल करके दे दो और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद में मैंने मेरे बच्चे के लिए नाश्ता बनाया गाजी के लिए, उसके बाद में फिर मैंने टिफ़िन बनाया गाजी का, और ये गाजी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं अपना, पराठा चाय और बॉयल एग। बुखार है, अभी थोड़ी ठंडा मौसम है ना, तो मेरी भी आवाज़ देखिए आप लोग बैठ रही है, तो ये मैंने ये नाश्ता दे दिया मेरे हस्बैंड को और ये नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। और हमेशा की तरह मेरा ये रहा कॉर्नफ्लेक्स और दूध। गाजी का हो चुका है नाश्ता, चाय पराठा खा चुके हैं, बंडा खा रहे हैं, इनका भी हो चुका है। यहाँ कर रहे हैं गाजी अपना होमवर्क, अरबिक का होमवर्क कर रहे हैं अभी, और यहाँ इनका मैं टाइम टेबल लगा रही हूँ। और ये हो चुका है इनका टिफ़िन तैयार। टिफ़िन में मैंने बनाई थी आज सुबह आलू की सब्ज़ी और पराठा है, और एक छोटा सा केक रख दिया साथ में, पानी की बॉटल है। ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे इन बुक्स का और फिर हम टाइम टेबल लगाएंगे। और यहाँ हो चुका था मेरा किचन का पूरा काम और घर का मेरे पूरा काम हो चुका था यहाँ पे, और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं नहा के नमाज पढ़ने चली गई थी, और उसके बाद फिर क्योंकि मजलिस स्टार्ट होने वाली थी यहाँ पे, फिर मेरे घर में सब लोग के यहाँ हो चुकी थी, फिर अब मेरे घर का नंबर था मजलिस का, तो मैंने जल्दी जल्दी सब काम कर लिया था, फर्श वगैरह बिछा दिया था। और यहाँ मैं पूरे घर का व्यू ले रही हूँ मजलिस स्टार्ट होने से पहले। तीन दिन से उल्फ जगा की हाक से थी उस जनाब को, एक ईद हो गई खलफे भूत राब को, दिल में से गुन चबा की हवा खा के ये जमी के गुलों से दुलान की बू, अब ये बोले थी तो यहाँ पे सबके घरों में मजलिस हो चुकी थी, अब मेरे घर में मजलिस स्टार्ट होने जा रही थी। यहाँ में मैंने इमाम बाड़ा खोल के इसको अगरबत्ती रोशन करने जा रही हूँ मैं इमाम बाड़े के अंदर, और मैंने इस बार रेड लाइट लगवाई है क्योंकि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में इराक में करबला में ये 10 दिन में अशरे तक रेड लाइट जलती है, तो इसीलिए मैंने रेड कलर की रेड लाइट इसके अंदर लगवा ली है। और यहाँ मैंने सब एक कोना साफ कर दिया नज़र वगैरह के लिए, मजलिस की नौहे की बुक्स वगैरह यहाँ साइड में रख दी, यहाँ फर्श भी छा चुकी हूँ, ये तकिया रखा है मर्सिया वगैरह की बुक्स रखने के लिए, और बस सब आने वाले हैं और मैं सबका इंतज़ार कर रही हूँ अज़ादारों का। और फिर शाम हो गई थी मेरे घर की मजलिस खत्म होते होते, फिर उसके बाद हम लोगों ने नौहा लगाया यहाँ पे मगरिब से पहले, और न्यू नौहा आ चुका था नदीम सरवर का, तो हम लोग वो नौहे सुन रहे थे यहाँ पर। न्यू नोहा है 2024 नदीम सरवर न्यू नोहा, मजलिस हो गई अभी, हम लोगों ने बस नोहे चलाए।
नाम मेरा इमाम हुसैन। तो प्यारा लग रहा माशाल्लाह। मेरा है मेरा हुसैन सदा। तो शाम हो चुकी है, मगरिब, और सब मजलिस वगैरह हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने बना रही हूँ चिकन दो प्याज़ा में, और इसकी रेसिपी तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाजी पढ़ रहे हैं यहाँ पे नमाज। सो यम्मी, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये चावल है, ये रोटी बनी रखी है, ये दूध गर्म हो रहा है, और ये मेरा सालन, ये तो दिखाई दिया ना आप लोगों को, तो देखते हैं। आह हाँ, मज़ेदार, लज्जतदार, मज़ा आ गया। इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई आप लोगों को क्योंकि ना एक्चुअली ये 10 दिन में तो ना बिल्कुल भी टाइम नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हो चुका घर का सब काम, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया, फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, और तो खाना वगैरह खा के हम लोग, और अभी हम लोग निकले हैं बस मजलिस में जाने के लिए। मजलिस शुरू हो चुकी है, आज थोड़े से हम लोग लेट हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ पे ना, तो इनको आने में थोड़ा सा देर हो गई थी। और बस अभी हम लोग निकले हैं और बस 5 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। जेंट्स मजलिस होती है जो मौलाना पढ़ते हैं, और वहीं लेडीज़ का भी इंतज़ाम रहता है रात की मजलिस, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं अभी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे मजलिस खत्म हो चुकी थी, सारी लेडीज़ का हिस्सा था, यहाँ पे बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने पूरा तो नहीं ले सकती थी कुछ भी, तो थोड़ा सा आप लोगों को आगे मैंने दिखा दिया। यहाँ पे नौए खानी हो रही थी मजलिस के बाद में। हेलो भाई, चाहिए क्या? नहीं नहीं रख लेते, बाद में खा लेंगे। खुदा हाफिज। गई तो ये नन थी, उनकी लड़की, हम लोग सब साथ में ही जाते हैं, तो उन लोग को छोड़ दिया अभी यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, निकल रहे हैं अब हम लोग। बारिश हुई है, रोड एकदम गीला गीला, मौसम बहुत प्यारा हो गया, बहुत प्यारा मौसम।
तो ये था मेरा व्लॉग, और कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, अपना साथ बना के रखिए। मेरे साथ मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।